कांग्रेस के समय आतंकी विस्फोट होते थे और पब्लिक से आवाज उठती थी कि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करो, तो सरकार क्या कहती थी, अरे आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। एक शब्द तो उनका मिलता था, सीमा पार के आतंकवादी हैं। और आज आतंकवाद का नेस्तनाबूत कर दिया गया। अब तो जोर से पटाखा भी फटेगा ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है नया भारत है, छेड़ता नहीं है। अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। बहन और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी क्या ये राजनीति करेगी? और इसको तो जनता जनार्दन के बीच जाने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने नैतिकता खो दी है। जब सत्ता में थे खूब लूट खसोट किए, परिवार के सिवाय किसी को इन्होंने बख्शा नहीं। और पैरवी किसके करते थे? दो प्रकार के लोगों की पैरवी करते थे, या तो अपने परिवार की या आतंकवादियों की और माफिया और अपराधियों की। आप सोचो, हर बड़ा अपराधी, हर माफिया सपा का शागिर्द था कि नहीं था?